वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर का एक ब्रांच है। यहाँ पर 6 राज्यों का ये आज से कृषि मेला प्रारंभ हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये 6 राज्यों के किसान भाई यहाँ पर आए हुए हैं। और खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक जनपदों के किसान इन 3 दिनों के इस 3 दिवसीय मेले के भीतर वो सम्मिलित होंगे, और किसानों के द्वारा नए नए प्रयोग और जो उनकी उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों की जानकारी करेंगे, उनके साथ संवाद करेंगे। हमारी कोशिश होती है कि इन मेलों के माध्यम से जो नए शोध और नए बीज हैं वो किसान भाइयों के बीच में पहुंच सके। यहाँ पर वैज्ञानिक गण भी कई संस्थानों के आए हुए हैं, विश्वविद्यालयों के आए हुए हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भी कृषि वैज्ञानिक रहेंगे, तो सब इसमें चर्चा पर चर्चा के माध्यम से नए नए प्रकार की बीज, नए कृषि यंत्र और करने के तौर तरीके क्या बदल रहे हैं, और बदलते हुए जलवायु परिवर्तन के भीतर कौन सी सटीक फसलें हम लगाएं जिससे हमारा उत्पादन बढ़ सके, इस दृष्टि से यहाँ पर 3 दिन की चर्चा होगी और उस मेले का मैं आज यहाँ पर शुभारंभ करने के लिए। मंत्री जी, वैज्ञानिकों का खोज का लाभ किसानों तक नहीं पहुंच रहा है, जैसा कि ये आपको किसने बता दिया, तो इसके लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? आपके पास कौन सी एजेंसी है जिसने ये बात बताई? आज राज्य का उत्पादन, हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो जब हम आए थे, जब चार्ज लिए थे, उस समय से 100 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा प्रतिवर्ष हो रही है। हमारे किसानों ने नई वेराइटी नहीं लगाई होती, वैज्ञानिकों ने उसका शोध नहीं किया होता, उनका शोध लैब टू लैंड, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि जो लैब में रिसर्च हुआ उसको लैंड तक पहुंचाओ, और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उस काम को कर रही है, हमने किया है। इसी नाते मैंने कहा कि हमको 2 पुरस्कार मिल चुका है 7 साल के भीतर। एक मिला है अधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए, दो नंबर एक का राज्य आया उत्तर प्रदेश, और दूसरा हमें तिलहन के उत्पादन में हमने 5 लाख मेट्रिक टन की वृद्धि जो किया उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हमें कृषि कर्मण पुरस्कार मिला, हमें माने उत्तर प्रदेश सरकार को मिला। उसमें हमारे वैज्ञानिकों का, हमारे कृषि विभाग के कर्मचारी अधिकारियों का और साथ साथ में किसान भाइयों के परिश्रम के कारण ये संभव हुआ है। सिर्फ हमारे भाषण से नहीं हुआ है, हम लोगों ने उनको इनपुट उपलब्ध करवाए, समय से उनको बीज उपलब्ध करवाए, समय से पानी उपलब्ध कराए, तकनीकी कराई और प्रसार के माध्यम से उनको जानकारी दी, इसकी वजह से हुआ है। कृषि विश्वविद्यालय कुशीनगर में स्थापित होने जा रहा है, तो क्या है उसमें सब विस्तार? बहुत अच्छा कृषि विश्वविद्यालय बनाएंगे। महात्मा बुद्ध जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं, उनके अभी 7वें अवतार की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और 10वें अवतार के नाम पर महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय बना करके कृषि क्षेत्र के भीतर महात्मा बुद्ध के जमाने से जिस प्रकार की खेती, काला नमक चावल विशेष रूप से उनका प्रसाद, ऐसे चीजों को हम और आगे बढ़ाएंगे। वहां पर हमारा कृषि विश्वविद्यालय होगा, कृषि विद्यालय होगा, उद्यान महाविद्यालय होगा, पशुपालन का होगा, गन्ना विकास, गन्ना और चीनी इस पर भी आधारित होगा, खाद्य प्रसंस्करण की इकाई लगेंगी, तो विभिन्न प्रकार के पठन पाठन और पाठ्यक्रमों के माध्यम से आने वाले भविष्य की चुनौतियों की दृष्टि से हमारे कृषि वैज्ञानिक तैयार हो सके, उस तरीके का एक उत्कृष्ट विश्वविद्यालय हम। कितनी लागत आ रही है मंत्री जी, कितनी लागत आ रही है उस पर? 650। अच्छा, कब से उसको शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है? हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है, बाकी उनकी फॉर्मेलिटी हो रही है, आरएफटी उसकी बन गई है, टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंत्री जी, आपने ब्यास जी का दर्शन किया है और क्या मुस्लिम पक्ष कोर्ट के फैसले से नाराज है, तो क्या कहेंगे? कल बंदी भी बनारस किए थे। देखिए, ये बहुत ही गौरव का क्षण है, जब हमारे सांस्कृतिक भारत का पुनर्जागरण का यह समय आ गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और योगी आदित्यनाथ जी के। अदालत ने जो फैसला किया है, अदालत ने दोनों पक्षों को सुनकर के फैसला किया, उसको भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, और ये बात स्पष्ट हो चुकी है पुरातत्व विभाग के खुदाइयों के माध्यम से कि वहां पर किसी जमाने में मंदिर भी था, इतने प्रमाण है कि इसका कोई कार्य नहीं, और बिना आधार के ये उस समय की सरकार ने जो 1981 में कार्यरत थी उसका यह तुष्टिकरण के कारण, बिना किसी कारण के उसको
बंद कर दिया था और दर्शन से बाहर कर दिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण था। आज ये देश का सौभाग्य है, अपनी विरासत पर गर्व करने की बात जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, आज हमें अपनी विरासत पर गर्व है कि बाबा काशी विश्वनाथ भव्य रूप से यहाँ पर उनका कॉरिडोर बना, आज हम सब उसका दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या के भीतर भगवान श्री रामलला का दर्शन कर रहे हैं उनके भव्य मंदिर में। जब हम कहते थे रामलला आएंगे मंदिर यहीं पर बनाएंगे, वो लोग कहते थे कैसे बनेगा, कब बनाओगे, आज बन गया। उनको जब कहा जाता है कि दर्शन करने आओ तो कहते हैं नहीं, हम जी आएंगे, हमारी हम रिपोर्ट करेंगे।